Hello friends, press the subscribe button and hit the bell icon for more such easy videos. Hello, नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सुनील सर आया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन की एनाटॉमी पे। सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि जो ब्रेन है वो प्रेजेंट है क्रेनियम में, जिसे हम स्कल कहते हैं। और ब्रेन जो है पूरी तरह से ग्रो हो जाता है साइज में 6 साल की उम्र तक। ब्रेन का जो वजन होता है लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। जो क्रेनियल कैपेसिटी है ब्रेन की वो 1300 से 1500 सीसी की होती है। और ब्रेन के अंदर 30 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और ब्रेन का कलर जो है वो सॉफ्ट वाइटिश नेचर का होगा। मतलब न्यूरॉन जो होता है एक्चुअली वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बन जाता है ब्रेन का, आप कह सकते हो नर्वस सिस्टम का। ब्रेन का जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है, एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। मिड डॉर्सल और हॉलो है, दो चीजों का बना हुआ है, एक है ग्रे मैटर एक व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर किसका बना हुआ है तो हम कह सकते हैं ग्रे मैटर में आता है साइटॉन, न्यूरॉन का पार्ट है और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। व्हाइट मैटर किसका बना है तो बना है एक्सॉन और मेडुलेटेड नर्व फाइबर। मेडुलेटेड मतलब क्या, उस पर माइलिन शीथ की कवरिंग होगी। अगर आपको पता हो न्यूरॉन दो टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। ह्यूमन ब्रेन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब आगे का, मिड ब्रेन मतलब बीच में, हाइंड ब्रेन मतलब पीछे का ब्रेन। फोर ब्रेन को आगे चल के तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, एनसेफेलॉन। फोर ब्रेन को आप कह सकते हो प्रोस एनसेफेलॉन, मिड ब्रेन को कह सकते हो मेस एनसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन को कह सकते हो रॉम्ब एनसेफेलॉन। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्ट्री लोब आता है, सेरिब्रम आता है और सेरिबेलम आता है। ऑल्फैक्ट्री मतलब स्मेल से रिलेटेड है, इसे कहते हैं राइनन सेफेलॉन। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है, इसे कहते हैं टेलन सेफेलॉन। और डायन सेफेलॉन का दूसरा नाम है थैलेमन सेफेलॉन, क्योंकि इसमें हाइपोथैलेमस आता है। मिड ब्रेन का दूसरा नाम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और क्रूरा सेरिब्राय। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना को आप पॉलिक्यूलाई कह सकते हो और क्रूरा सेरिब्राय को हम सेरिब्रल पेडंकल भी कहते हैं। हाइंड ब्रेन में आएगा सेरिबेलम, पॉन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम का दूसरा नाम इसे कहते हैं हम मेटेन सेफेलॉन। पॉन्स वेरोली का और मेडुला ऑब्लोंगेटा का नाम है माइलिनन सेफेलॉन। सो लॉजिकली जो डैश मैंने डाला हुआ है, इस डैश में एक वर्ड भरेंगे आप एनसेफेलॉन, जो दूसरा नाम है ब्रेन का, बाकी चीजें सेम है। ह्यूमन ब्रेन को अगर आपको समझना हो तो सबसे पहली चीज ब्रेन को बहुत डिटेल से एक बार देखते हैं कि होता क्या है। सो ये एक मॉडल है ब्रेन का, जो जहां तक हो सके पूरा का पूरा ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें तीन कलर है। सो ये बड़ा हिस्सा जो हम देख रहे हैं उसे हम सेरिब्रम कह सकते हैं। जो छोटा हिस्सा पीछे तो दिख रहा है वो सेरिबेलम है। जो थोड़ा सा सूजा हुआ पार्ट है उसे हम पॉन्स वेरुली कह सकते हैं। जो स्टेम की तरह चलेगा वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो लॉजिकली ये सारे पार्ट्स होते हैं ब्रेन के। ब्रेन का वजन लगभग 1.5 kg के आसपास होगा। अब जरा इसको ध्यान से और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहली पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का देखते हैं, इसे कहते हैं हम सेरिब्रम। सेरिब्रम लॉजिकली जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये 80-85% बना होता है। ब्रेन का 80-85% जो भी है वो सेरिब्रम ही है, सबसे बड़ा पार्ट। जो सेरिब्रम है वो अलग अलग लोब्स में डिवाइडेड है। जैसे अगर आप सेरिब्रम को देखो तो एक टुकड़ा नहीं है, वो दो पार्ट है, दो आधे आधे सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, हाफ जो जुड़े होते हैं। बीच में एक लाइन दिखती है, उस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्स ग्रूव या आप कह सकते हो लॉन्जिट्यूडनल फिशर। जो भी आप एक्टिविटी राइट हैंड से करोगे वो आपके लेफ्ट ब्रेन को जाएगा और लेफ्ट हैंड से करोगे वो आपके राइट ब्रेन को जाएगा। और दोनों के दोनों जुड़े हैं एक दूसरे से बाय थिक बैंड ऑफ नर्व। जो सेरिब्रम है उसका बाहर का हिस्सा कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो ग्रे मैटर का बना है, और अंदर का हिस्सा है सेरिब्रल मेडुला, जो व्हाइट मैटर का बना है। तो ग्रे मैटर इज फॉर इंटेलिजेंस, ये आपको समझना है। और जो सेरिब्रम है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए बन जाता है, ये जो थिक बैंड ऑफ नर्व दिख रहा है ये कॉर्पस कैलोसम है, जो आपके राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ता है। सो लॉजिकली राइट और लेफ्ट अगर कनेक्टेड है तो एक पॉइंट पे आके दोनों नर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को आप कह सकते हो ऑप्टिक कायज़मा।
जहाँ पे ऑप्टिक ट्रैक्ट से दो नर्व्स जाते हैं लैटरल को। सो राइट हेमिस्फीयर हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। सो लॉजिकली आप कह सकते हो ये क्रॉस में एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। जब आप सेरिब्रम समझ चुके हो तो आगे की तरफ थोड़ा सा चलते हैं ये समझने के लिए कि इंसान की इंटेलिजेंस सोच किस पे डिपेंडेंट है। वो ब्रेन के साइज पर नहीं है। जो ब्रेन पे टेढ़े मेढ़े आपको लाइंस और फोल्ड दिख रहे हैं उन्हें आप कह सकते हो सल्सी एंड गायराय, या आप कह सकते हो सल्काय और गायराय, जो भी आप चाहें आप कह सकते हैं। जो साइज होगा ब्रेन का, सल्काय में डिप्रेशन होता है, गायराय मतलब फोल्ड। तो ब्रेन की साइज पे तय नहीं होगा आदमी इंटेलिजेंट है। जितना ज्यादा सल्काय गायराय होगा उतना ज्यादा वो इंटेलिजेंट होगा। ब्रेन जो है अलग अलग लोब्स में डिवाइडेड है और ये सारे फोल्ड जो है जिनसे डिवाइड करता है उसे हम कहते हैं सल्कस। सो लॉजिकली चलो एक बार इसके सारे लोब्स को देख लेते हैं ब्रेन के। तो सेरिब्रम के अलग अलग लोब हैं, फ्रंटल लोब आगे का, पराइटल लोब ऊपर का, ऑसिपेटल लोब पीछे का और टेम्पोरल लोब साइड का। तो ये सारे लोब्स बन जाते हैं ब्रेन के। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्रंटल लोब है, यहाँ पराइटल लोब है, फिर ऑसिपेटल लोब है, फिर टेम्पोरल लोब है। इस तरीके से चार लोब्स बनते हैं। लोब्स के फंक्शन क्या है? फ्रंटल लोब, जब कभी भी आप सोचने की एक्टिंग करते हो तो आप हाथ अपना माथे पे रखते हो, वो फ्रंटल लोब का पार्ट है। थिंकिंग, मेमोरी, मोटिवेशन, अटेंशन। पराइटल लोब आपके मोटर एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप जो भी एक्शन करोगे, टच, प्रेशर, टेम्परेचर, पेन, सब मोटर एक्शन के लिए पराइटल लोब रिस्पॉन्सिबल है। जैसे क्रिकेट में कोई कैच छूट जाए तो कैसे हाथ सर पर रख के खड़े होते हैं, पराइटल एक्शन। जो ऑसिपेटल लोब है वो विजन के लिए है। अगर हमें कोई चीज नहीं दिखती तो हमें कहाँ मार पड़ती है, सर के पीछे, ऑसिपेटल लोब। टेम्पोरल लोब जो है सुनने के लिए काम में आता है, परसेप्शन एंड रिकॉग्निशन ऑफ हियरिंग। तो टेम्पोरल लोब इज फॉर साउंड परसेप्शन। अब सल्कस क्या होता है? अलग अलग टाइप के सल्कस मिलेंगे आपको। तो ये देखिए, फ्रंटल और पराइटल लोब के बीच में जो है वो है सेंट्रल सल्कस, पराइटल और ऑसिपेटल के बीच में जो होगा उसे कहेंगे पराइटो ऑसिपेटल सल्कस, पराइटल और टेम्पोरल लोब के बीच में जो होगा उसे कहेंगे लैटरल सल्कस। तो ये सारे सल्कस हैं जो ब्रेन के सेरिब्रम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये मिड ब्रेन का पार्ट है, थैलेमस के नीचे होता है, डायनसेफेलॉन के नीचे थैलेमस है वहां पे होता है ये। तो हाइपोथैलेमस में एक स्टॉक होता है उसे इन्फंडिबुलम कहते हैं। इन्फंडिबुलम स्टॉक में एक छोटा सा ग्लैंड होगा जिसे कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड होता है ये। हालांकि इसको मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं लेकिन ये खुद भी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। और ये जो हाइपोथैलेमस है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो होमियोस्टेसिस। सो लॉजिकली आपको ये समझना है, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। अब सेरिबेलम की बात करें, ये बहुत ही प्यारा पार्ट है ब्रेन का, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। इसमें भी दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। अगर आप सेरिबेलम को ओपन करके आप देखोगे, लॉजिकली ऑसिपिटल साइड पे होते हैं, अगर आप ओपन करके देखोगे तो आपको इसमें तीन पार्ट मिलेंगे। ये मीडियन वर्मिस है और बाजू में दो जो है वो लैटरल हेमिस्फीयर है। अब आपको समझना ये है कि जो व्हाइट कलर की लाइनें दिख रही हैं पत्ते के जैसे, इन्हें हम कहते हैं आर्बर वाइटे, या इसे कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ। सेरिबेलम का काम क्या है? वॉकिंग, टॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, पोस्चर मेंटेन करता है फॉर इक्विलिब्रियम। अब जैसे कोई ड्रंक इंसान हो, किसी ने दारू पी ली हो, शराब पी लिया हो, तो चल नहीं पाता प्रॉपरली क्योंकि उसका सेरिबेलम उस वक्त काम नहीं कर सकता। तो सेरिबेलम का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया? इक्विलिब्रियम व्हाइल वॉकिंग, रनिंग या जंपिंग। जब आप कूद रहे हो, चल रहे हो, खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब बैलेंस जो मेंटेन हो रहा है वो सेरिबेलम की वजह से मेंटेन होता है। चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जिसे हम कहते हैं पॉन्स वेरोली। पॉन्स वेरोली भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लॉजिकली इसका पोजिशनिंग अगर आप देखोगे तो ये सेरिबेलम के आगे होता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर होता है और सेरिब्रम के नीचे होता है। पॉन्स वेरोली दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और जो पॉन्स वेरोली है इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स होता है वो है ब्रीदिंग का। जैसे हम सांस लेते हैं तो आप चाहो तो अपने सांस को रोक सकते हो लेकिन एक समय के बाद वो आपके कंट्रोल में नहीं रह जाता सांस रोकना। तो पॉन्स वेरोली के पास जो रिफ्लेक्स है वो सिर्फ किस लिए है? ब्रीदिंग के लिए। और कुछ समय बाद वही रिफ्लेक्स जो है कौन कंट्रोल करने लगता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। और आपको समझना यह है कि ये जो एक्सटेंशन है पॉन्स वेरोली के नीचे का जो हिस्सा है
वो आगे चल के बन जाएगा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, और यही मेडुला ऑब्लॉन्गेटा कंटिन्यू होगा और क्या बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो है सारे इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। जरा सा भी सडन इंजरी हो जाए मेडुला ऑब्लॉन्गेटा को तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। तो दोस्तों ये था डिटेल में इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दी ब्रेन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ब्रेन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मैं सुनील सर, थैंक यू वेरी मच।